यू फैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉगर्स किंग। सो अभी हो रहे हैं 7:30 शाम के और नीचे मम्मी खाना बना रही है, तो देखते हैं चल के। ये क्या है? छाछ। वो बेसन। चल मैं ही बोल देती हूँ। हेलो फ्रेंड, आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। इसमें बेसन मिलाते हैं। कितना बेसन? एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अभी नहीं मिलाएंगे, नमक तब मिलाएंगे जब ये कढ़ी में उबल जाएगी, पहले नहीं मिलाते, फट जाती है बनना। उबाल दो और 5-10 मिनट तक उबाला और कढ़ी बन गई। ऐसे नहीं होता, कम से कम 1.5 घंटा तक तो कढ़ी को उबालना चाहिए मंदी मंदी गैस के ऊपर, तभी बनती है। और उससे भी ज़्यादा उबाल सको तो और भी अच्छा है। इसमें मतलब कढ़ी में जितना धीरे धीरे पकाओगे उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। पानी डाल दो इसमें और, क्योंकि अभी ये गाढ़ा हो रखा है। चावल बनाना चाहे चावल बना लो, इसके साथ रोटी बनाना चाहे रोटी बना लो, मर्जी आपकी। चावल खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, क्योंकि मैं तो आज रोटी बनाऊंगी, चावल नहीं बना। अब इसे कितनी देर तक चला दूं? जब तक उफान नहीं आएगा तब तक इसे चलाते रहो, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो फट जाएगी कढ़ी। मैंने बहुतों को देखा है कढ़ी में उबाल आ जाता है और छोड़ देते हैं, फिर उसे फिर वो फटी फटी सी हो जाती है, और 15-20 मिनट उबाला और हो गई कढ़ी। अब इसमें कढ़ी में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। देखिए अभी बनने में टाइम लगेगा। अब मैं कढ़ी के लिए पकौड़े बना लेती हूँ, क्योंकि अब मेरी कढ़ी आधी बन चुकी है। इसमें देखो ऊपर ये ऐसे जो रेड कलर की मलाई आ जाती है ना, तो इसका मतलब समझ लो कि कढ़ी आधी बन चुकी है। देखो ऐसे मलाई आनी बहुत ज़रूरी है ऊपर इसके कढ़ी के, ये पहचान है कढ़ी की बनने की। अब मैं पकौड़े उतार लेती हूँ उसके लिए। मर्जी आपकी, जिस मर्जी की बना लो, पकौड़े तो अच्छे ही लगते हैं। पर ज़्यादातर हम प्लेन ही बनाते हैं पकौड़े, क्योंकि प्लेन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर मर्जी आपकी, जैसे मर्जी बनाओ।
मैंने पकौड़े उतार लिए हैं और हमारी कढ़ी भी तैयार है। इसमें तड़का देती हूँ मैं। कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं जीरा, थोड़ी सी अजवाइन,